So welcome back to the channel everyone, this is Prakash Mahant and you are watching PM's Motography. So aaj is video mein main aap sabhi se driving experience share karne wala hoon about this the all new Maruti Suzuki Ertiga. Ye hai 1.5 liter petrol engine wali aur ye hai most value for money variant jo hai Vxi. Aur agar aaj ka video aapke kisi kaam aata hai to mera channel zarur तो लगभग दोनों का जो सीटिंग पोस्चर होता है वो काफ़ी सेम होता है एसयूवी का और एमपीवी का, दोनों में ही थोड़ा सा आप उठ कर बैठते हैं। और बात करें सेडान की तो सेडान में आप काफ़ी नीचे बैठते हैं सेडान कार में, जैसे कि आपने डिज़ायर में बैठा होगा तो देखे होंगे कि आपको थोड़ा सा लो फील होता है उसमें बैठने में, काफ़ी नीचे उसमें आपको बोनेट अच्छे से नहीं दिखता लेकिन इसमें दिखा करेगा। और बात करें पिकअप की तो गाड़ी का पिकअप जो है वो तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ऑल न्यू 1500 सीसी का इंजन मिलता है जो कि एक PS6 कंप्लेंट है। तो चलिए अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बता दूँ इसमें आपको टोटल तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक है पेट्रोल इंजन, दूसरा है डीजल इंजन और तीसरा है CNG इंजन, जिसमें कि आपको CNG प्लस पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन मिला करेगा। आप चाहे तो पेट्रोल से चला लें और चाहे तो CNG से चला लें। तो पहले बात करते हैं इसके पेट्रोल इंजन की, जिसे कि मैं अभी चला रहा हूँ। तो ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K15 स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल इंजन, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें कि एक बैटरी लगा होता है जहाँ पर पावर सेव होती है और एक्सेलरेशन के वक्त वो पावर यूटिलाइज की जाती है, जैसे कि इंजन को थोड़ा पावर मिलता है और पेट्रोल थोड़ा सा सेव हो जाता है। और बात करें इसके पावर फिगर की तो इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जनरेट करता है 103 BHP ऑफ पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप इसमें ऑटोमेटिक चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिला करेगा, इसके डीजल इंजन में कोई भी ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। और इसका डीजल इंजन में आपको बेस मॉडल नहीं मिलेगा LDI, जो कि LXI मिलता है पेट्रोल में। अगर आप एक्स
एक्सआई और डीआई में कन्फ्यूज है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जिसके जो पेट्रोल इंजन है वो डिनोट किए जाते हैं एक्सआई से, मतलब जो एक्सआई सीरीज़ है वो पेट्रोल इंजन को डिनोट करता है और जो डीआई है वो डीजल इंजन को डिनोट करता है। और बात करें इसके वेरियंट्स की, तो इसमें आपको एल बी जेड एंड जेड प्लस नाम के जो वेरियंट है वो रखे गए हैं, जैसे कि एल और एक्सआई। एल मतलब कि बेस मॉडल और एक्सआई मतलब पेट्रोल। वहीं अगर डीजल होता तो एल मतलब डीजल, सॉरी बेस मॉडल एल मतलब, और डीआई मतलब डीजल, तो एलडीआई इसका बेस मॉडल कहलाता डीजल का। लेकिन इसके अर्टिगा में आपको एलडीआई मॉडल नहीं मिलता, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आपको अर्टिगा में डीजल लेना है तो वीडीआई जेडडीआई और जेडडीआई प्लस मिला करेगा। अब बात करें इसके इंजन के माइलेज की, तो इसके 1500 सीसी वाले इंजन का माइलेज है 19.34 किलोमीटर पर लीटर का, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 45 लीटर्स का। और ये इंजन है BS6 कम्प्लाइंट, जिसमें कि कम प्रदूषण निकलता है। और इसमें आपको BS6 कम्प्लाइंट सिर्फ ये ऑल न्यू पेट्रोल इंजन ही मिला करेगा। अगर आप इसका CNG या फिर डीजल इंजन लेते हैं उसमें आपको सिर्फ BS4 कम्प्लाइंट इंजन मिला करेगा। अब बात करें इसके डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 94 BHP की पावर एंड 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट किया करती है। और ये मेटेड है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। इसके डीजल इंजन में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। और बात करें डीजल इंजन के माइलेज की, तो इसमें आपको 24.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, और ये BS4 कम्प्लाइंट है। अब बात करें इसके CNG वेरिएंट की, तो इसके CNG वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 91 BHP की पावर एंड 122 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट किया करती है। और ये भी मेटेड है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। और बात करें माइलेज की, तो माइलेज इसके CNG वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, जो है 26.2 किलोमीटर पर लीटर का, और ये BS4 कम्प्लाइंट इंजन है। और बात करें इसके CNG की कैपेसिटी की, तो CNG टैंक की कैपेसिटी है 10.5 kg की, मतलब लगभग ये 60 लीटर का इसमें CNG टैंक की कैपेसिटी दी गई है, और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी तो 45 लीटर की आपको इसमें मिला ही करेगी। और इसमें आपको बूट काफ़ी छोटा मिलेगा, काफ़ी छोटा तो नहीं, थोड़ा सा छोटा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू विदाउट CNG वेरिएंट, क्योंकि CNG वेरिएंट में आपको जो बूट है, जो डिक्की कहा जाता है, उसमें एक जो टैंक है वो मिलता है, इसलिए वो काफ़ी जगह घेर लेता है, तो जगह की थोड़ी सी आपको दिक्कत इसमें हो सकती है। बाकी एवरेज वगैरह माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छी है इसके CNG वेरिएंट की। और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर शो होते हैं, जैसे देख सकते हैं ऊपर में टॉर्क, नीचे में पावर शो हो रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में है इसका टैकोमीटर, राइट साइड पे है स्पीडोमीटर। और यहाँ पर और देख सकते हैं जो बैटरी है SHVS, जिसे कहता है मारुति सुजुकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देख सकते हैं इंजन से जो टायर में पावर जा रहा है वो, और जो मोटर लगा है जहाँ पर बैटरी सेव होती है वो भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर फीचर्स शो होते हैं। और यहाँ पर फिफ्थ गियर में है गाड़ी, नीचे में देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में, जो कि 5 नंबर शो कर रहा है, मतलब कि ये गाड़ी फिफ्थ गियर में है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी, जो कि लगभग 20 की माइलेज निकाल रही है अभी मैं जिस हिसाब से ये गाड़ी चला रहा हूँ। और ये देख सकते हैं सामने 15.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी ये शो कर रहा है, और रेंज है 250 किलोमीटर का। और नीचे देख सकते हैं अभी 4 हो गया, मतलब कि मैं अभी फोर्थ गियर में चला रहा हूँ गाड़ी को। और स्पीड देख सकते हैं 40 किलोमीटर की है, और ये जो भी माइलेज इकोनॉमी शो कर रहे हैं वो ओवरऑल माइलेज है, कि अभी तक जिस हिसाब से गाड़ी चली है उस हिसाब से गाड़ी ने एक एवरेज माइलेज जो कहा जाता है वो कितना दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एर्टिगा का ओवरऑल रिव्यू वाला वीडियो देखना है तो मैंने वो भी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल PM's मोटोग्राफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल की अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत।